तब लोग मूवीज के लिए या तो थिएटर जाते या फिर वीसीआर कैसेट को किराए पर घर लाते थे। तभी रीड हेस्टिंग नाम का एक बंदा एक कैसेट किराए पर लाया और उस कैसेट को सही समय पर वापस नहीं कर सके, और जब 6 हफ्तों के बाद कैसेट को वापस की तो उन्हें $40 की लेट फीस भरना पड़ी, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान हुए। और तभी एक दिन जिम में वर्कआउट करते हुए उन्होंने जिम के बिजनेस मॉडल को नोटिस किया कि एक बार की मंथली मेंबरशिप से आप जितनी मर्जी चाहे उतनी एक्सरसाइज कर सकते हैं, और उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई जिसमें एक बार मंथली सब्सक्रिप्शन देकर आप जितनी मर्जी चाहे उतनी डीवीडीज को रेंट पर लेकर देख सकते हैं, और इस बिजनेस से उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ। लेकिन रीड हेस्टिंग ने कहा कि अब सिर्फ डीवीडी रेंट पर नहीं बल्कि लोगों को घर बैठे बैठे वीडियो ऑन डिमांड ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करेंगे, जिससे लोग कहीं भी कभी भी कैसा भी कितना भी शो देख सकते हैं। और आज उसी नेटफ्लिक्स ने हमारे मूवीज देखने के तरीके को बदल के रख दिया है।